अगर आपकी लाइफ में एक बार डायबिटीज़ आ गया तो वो रहने वाला है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। इसकी जो मेन वजह है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। क्या इसका हमेशा के लिए इलाज है क्या? जैसे बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं कि देखिए आप इस जड़ी बूटी को खा लो हमेशा के लिए डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एकदम गलत है कि हमने ये कर दिया तो आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई चाहे तो मेरे को चैलेंज कर सकता है। हमारे हिसाब से डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रिवेंशन हो सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। पेशेंट ने अगर मेरे से पूछा है रिवर्स होगा, मैं कहा भाई नहीं होगा। इसकी वजह है क्योंकि डायबिटीज़ आपकी बॉडी में आती ही क्यों है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है वो उसका बीटा सेल, उसका पैनक्रियाज का जो सेल होते हैं वो नष्ट होने के बाद ही आती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ संवाद और सुशल संवाद में आपका स्वागत है। और जैसे कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और हमारे साथ डायबिटिक एक्सपर्ट और अनुराधा कपूर हैं और मुंबई से हैं मैम, इनसे हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ का जो खतरा है प्रिवेंशन किस तरीके से है, अगर आपको होता है रोकथाम किस तरीके से करें, उस पर हम बात करेंगे। तो मैम वेलकम टू झारखंड। और सबसे पहला वही कि किस तरीके से डायबिटिक को प्रिवेंशन किया जाए और किन किन बातों पर ध्यान रखें। डायबिटीज़ एक्चुअली में डिजीज़ ऑफ प्रिवेंशन है। ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है और प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। मतलब अगर आपकी लाइफ में एक बार डायबिटीज़ आ गया, लेमेन टर्म में बात कर रही हूँ, तो अगर आपकी लाइफ में एक बार डायबिटीज़ आ गया तो वो रहने वाला है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। सो और इसकी जो आजकल देखा जाए तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें हम जो अनहेल्दी खाना खाते हैं या फिर हम एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है। तो इन दो चीज़ों के लिए की वजह से ये डायबिटीज़ जो है इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो हम डायबिटीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को बचपन में ही कंट्रोल करें तो हम इवन डायबिटीज़ को आने से भी रोक सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहा जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यहाँ पे मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ टाइप 2 होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 95%। तो इस पर हम हर लेवल प्रिवेंशन के अपना सकते हैं। तो हमें एक्चुअली, मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन अपनाइए, बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ऐसी डाइट हैबिट और ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि डायबिटीज़ या तो आए नहीं, और आए भी तो लेटर स्टेज में आए, अर्ली नहीं आए। तो यस, डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या इसका हमेशा के लिए इलाज है क्या? जैसे बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं कि देखिए आप इस जड़ी बूटी को खा लो हमेशा के लिए डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? डायबिटीज़ जिससे कहते हैं कि इंसुलिन का बॉडी आपका बंकम बनाने लगता है, इसके वजह से होता है, तो क्या ये सारे दावे सही हैं? और दूसरा, आप जैसे मुंबई जैसे शहरों को आप रिप्रेजेंट, वहाँ पर आपको और ये जो छोटे शहर हों, इनमें क्या पेशेंट का किस तरीके के मतलब ये आते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और ये बहुत ही मतलब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, एज अ एलोपैथिक डॉक्टर हम लोग साइंस पे भरोसा करते हैं। तो हमारा जो भी मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो साइंटिफिक स्टेटमेंट है। हमारे हिसाब से डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रिवेंशन हो सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। तो ये एकदम गलत है कि हमने ये कर दिया तो आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई चाहे तो मेरे को चैलेंज कर सकता है। मैं 22 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही प्रिवेंशन है। तो मैं तो बिल्कुल ही डिनाई करती हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के साथ भी काम किया है। तो ये रिवर्सल प्रोग्राम ने
अपना प्रोग्राम को बेचा ही ऐसे है कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, पर कभी भी पेशेंट ने अगर मेरे से पूछा है रिवर्स होगा, मैं कहा भाई नहीं होगा। इसकी वजह है क्योंकि डायबिटीज आपकी बॉडी में आती ही क्यों है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है वो उसका बीटा सेल, उसका पैनक्रियाज का जो सेल होते हैं वो नष्ट होने के बाद ही आती है, और वो दिन पर दिन नष्ट होती जाती। जैसा कि मैंने बोला, डायबिटीज एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, वो सेल्स धीरे धीरे फेल होते रहेंगे। तो आप कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। हॉल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक लंबे समय तक रोक सकते हैं बाई टेकिंग प्रॉपर मेजर्स लाइक हेल्दी। सिर्फ ऐसे कहने से नहीं होगा कि हेल्दी डाइट, हम तरीके बताते हैं कि आपको कैसे खाना है, उसको रूटीन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। व्यक्ति टू व्यक्ति हर चीज़ वैरी करती है, ड्रग ट्रीटमेंट वैरी करता है, आपका जो डाइट प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम, और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड होती हैं, सब वैरी करती हैं। वन साइज हर एक के लिए फिट नहीं होता है। तो इस पे पेशेंट्स को हम साल भर हम उन पे काम करते हैं, साल भर तक पेशेंट हमारे अंडर में रहता है, हम उनको प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट करते हैं और उनको बताते हैं कि कौन से टेस्टिंग करनी है, क्या करने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। तो इससे उनको बहुत हेल्प हो जाता है कि यस, हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। एनीबॉडी कैन चैलेंज। चलिए इसी नोट पर खत्म करते हैं। मैम मैम जैसा हमने बताया कि मैम मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं और काफ़ी कुछ इनका अनुभव है, उसी के आधार पर तो आपको भी अगर डायबिटीज होता है, जिन बातों को उन्होंने कहा है आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि उस जड़ी बूटी और घास लाइक वो भी करें, लेकिन दवाई पर ज़रूर आप पे करें। तो अपने सहयोगी सहमति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।